हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 7 अक्टूबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 7 अक्टूबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। और इसी 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ हम 3 से 4 ललन टॉप प्रश्न देखेंगे। जो 3 से 4 ललन टॉप प्रश्न होते हैं, ये कुछ सप्ताह या कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इसी 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ हम जीके जीएस प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। जीके जीएस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और लगभग हम कम से कम 30 से 35 जो है जीके जीएस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो करंट अफेयर क्वेश्चन में जो कुछ पुराने ललन टॉप प्रश्न रहेंगे, ये कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन रहेगा, जो कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे। जीके जीएस के 30 से लगभग 30 क्वेश्चन होंगे और 10 नए करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे। तो आप जोड़ सकते हैं, कम से कम आप सभी को इसमें 80 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इससे कम नहीं देखने को मिलेगा, 80 से ज़्यादा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम 30 मिनट हमें लग जाएगा। कितना भी जल्दी फास्ट करेंगे तब भी 30 मिनट लग जाएगा। अगर आप सभी वीडियो को थोड़ा जल्दी देखना चाहते हैं तो वीडियो की स्पीड जो है 1.5 कर देंगे, तो वीडियो की स्पीड जो है आप सभी को 25 मिनट में यह वीडियो समाप्त देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन को अगर आप सभी 25 मिनट में देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप सभी का टाइम जो है हमारे साथ वेस्ट हो रहा है, ठीक है। इससे जल्दी मैं नहीं कर सकता हूँ। जिस भाई बहन को अगर लगता है कि वीडियो जो है 15 मिनट में समाप्त होनी चाहिए, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ना ही देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 7 अक्टूबर के करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है। तो भारत के माध्यम से 40 मेगावाट बिजली नेपाल किसे निर्यात करने का समझौता किया है। तो नेपाल बिजली भेजेगा कहाँ पे? बांग्लादेश। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अब ठीक है। समझौता अगर पूछे कि जो किया गया है, त्रिपक्षीय समझौता किसके बीच हुआ है, तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच यह समझौता किया गया है, जिसमें नेपाल 40 मेगावाट बिजली किसे निर्यात करने वाला है। तो बांग्लादेश को निर्यात करने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है, थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ये आप देखेंगे तो एक आपको थोड़ा सा मैप से यहाँ पर आपका हो जाएगा नेपाल, फिर इसके नीचे यहाँ पे हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। तो ये हमारे कंट्री हो जाएंगे, नेपाल और बांग्लादेश। अब देखते हैं कि समझौता भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। तो ऊपर हो गया नेपाल और नीचे हो गया बांग्लादेश, और बीच में जो है हमारे ये कौन से राज्य पड़ते हैं, पश्चिम बंगाल पड़ता है, ठीक है। तो तभी अगर नेपाल जो है भारत से होकर अगर बिजली भेजता है कहाँ पर, बांग्लादेश में, तो इसको जो है भारत से ही समझौता करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझौता किसके साथ किया, भारत के साथ। और कितना बिजली भेजा जाएगा बांग्लादेश में, तो 40 मेगावाट कौन भेजेगा, नेपाल भेजेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं कि बांग्लादेश के साथ भारतीय राज्य कौन कौन से हैं जो सीमा बनाते हैं, तो 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। हम इस क्रम में देखेंगे कि कौन कौन से राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। अब देखते हैं नेपाल जो है भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 5 राज्यों के साथ। अब हम ऊपर से जो है आगे की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले आएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जो ये उठा हुआ भाग है सिक्किम है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो 4 राज्य सीमा बनाते हैं, तो भूटान हमारा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और सबसे पूर्वी राज्य अगर पूछे भारत का कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, कौन कौन से हैं, तो जो ये उठा वाला भाग है ये है सिक्किम, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य जो है भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो त्रिपक्षीय समझौता किसके बीच हुआ है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश के बीच में, जिसमें नेपाल जो है 40 मेगावाट बिजली का निर्यात किसको करेगा, बांग्लादेश को करने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो ललन टॉप में, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो भारत ने जीता है, किसको हरा दिया है, तो आप सभी को पता है साउथ अफ्रीका को हराकर भारत ने T20 विश्व कप वर्ल्ड कप जीत लिया है। जिसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया था, तो T20 विश्व कप का आयोजन किया गया था USA और वेस्टइंडीज में। पूरे मैच में अगर पूछा जाए कि बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया गया है, तो यह जसप्रीत बुमराह जी को दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा, तो युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा फ्रांस की सहायता से। वो कहां पर स्थापित होगा, तो यह निर्माण किया जाएगा दिल्ली में।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो कोच्चीन में आयोजित हुआ है, कहाँ? कोच्ची में। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा करी है? तो चागोस द्वीप था एक हिंद महासागर में, और इस पर जो है किसका अधिकार था? ब्रिटेन का। लेकिन अब ब्रिटेन ने क्या फैसला किया है कि जो ये चागोस द्वीप है किसे दे दें? तो यह मॉरिशस को दे देगा, क्योंकि ये मॉरिशस के बाउंड्री के अंदर ही आता था। इसकी पूरी व्याख्या देखें तो पीएम मोदी जी ने भी इसके लिए अनुरोध किया था। पीएम मोदी जी ने अनुरोध किया था किससे? तो जो यहाँ के पीएम थे, कहाँ के, इंग्लैंड के जो पीएम थे, इनसे अनुरोध किया था कि ये द्वीप जो है आप दे दीजिए मॉरिशस को, क्योंकि उन्हीं के बाउंड्री के अंतर्गत यह द्वीप आते हैं। तो दो द्वीप हैं, एक तो चागोस द्वीप है और दूसरा है डियागो गार्सिया। ये दोनों द्वीप अगर पूछे कहाँ पे पड़ते हैं तो हिंद महासागर में पड़ते हैं, और इस पर जो है अधिकार किसका था? तो इंग्लैंड का था। इंग्लैंड ने अभी इन दोनों द्वीपों को किसे दे दिया है? तो मॉरिशस को दे दिया है, यानी कि अब इन दोनों द्वीपों पर किसका संप्रभुता रहेगा? तो मॉरिशस का रहने वाला है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं ऋषि सुनक के बाद, कि ये स्टार्मर बनाए गए हैं। और जबकि पूछे कि जो ये मॉरिशस है इसकी राजधानी का क्या नाम है? इसकी राजधानी का नाम है पोर्ट लुइस। और मॉरिशस के जो पीएम हैं इनका क्या नाम है? प्रविंद जगन्नाथ इनका नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चागोस द्वीप और डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? तो हिंद महासागर पर है। अब इस पर अधिकार किसका हो जाएगा? मॉरिशस का। विश्व हिंदी सचिवालय अगर पूछे कहाँ स्थित है? तो विश्व हिंदी सचिवालय स्थित है मॉरिशस में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मसूद पेजेस्कियन किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो इब्राहिम रहीसी की मृत्यु के बाद जो है ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन बनाए गए हैं। मिशेल बर्नियर ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जबकि पूछे कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इनका क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन है। क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन है। अनुरा कुमारा ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो श्रीलंका के। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में SBI के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री निवासलु शेट्टी जी को नियुक्त किया गया है SBI का नया अध्यक्ष। 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 कहां प्रारंभ हुआ है? तो अस्ताना में प्रारंभ हुआ है। अस्ताना किसकी राजधानी है? तो कजाकिस्तान की राजधानी है। हाल ही में पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी गीता कुमार जी को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अगर पूछे किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में 700 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का कह सकते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है 700 बिलियन डॉलर से आगे निकल चुका है। तो इसमें जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। इसकी व्याख्या देखें तो फॉरेक्स इसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, यानी हिंदी में कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। इसमें अगर देखा जाए भारत ने भी हाल ही में 700 प्लस बिलियन डॉलर का जो आंकड़ा था वो पार कर लिया है, यानी कि भारत के पास जो है 700 प्लस बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसमें पूछे भारत के रैंक क्या है। तो इसमें पहला स्थान है विदेशी मुद्रा भंडार में, पहला स्थान है चीन का, दूसरा स्थान है जापान का, तीसरा स्थान है स्विट्जरलैंड का, और चौथा स्थान हो गया हमारे भारत का। तो भारत की रैंक क्या है विदेशी मुद्रा भंडार में? तो चौथा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न की बात देखें तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की बैठक अगर पूछे कहाँ पर हुई है? तो हमारे भारत में हुई है। भारत में कहाँ पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में हुई है। यूनेस्को में पूछे सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर किस देश के शामिल हैं? तो इटली के शामिल हैं। कहाँ के? इटली के। और कितना शामिल है? तो आई थिंक इसमें जो है सही है बिल्कुल 59 जो है विश्व धरोहर इटली के शामिल है। और भारत का पूछे कितना शामिल है? तो भारत का इसमें शामिल है 83 है। कितना है? 43 है।
अगर पूछे 43 वाला किस में कौन सा है तो मोईदम है। कौन सा है? मोईदम। और यह पूछे कौन क्या है तो मोईदम एक कब्रगाह है। और यह मोईदम कब्रगाह किस राज्य में पाया जाता है तो असम में पाया जाता है। ठीक है, तो जो 46वें क्रम की विश्व धरोहर की बैठक हुई थी कहाँ पर हुई थी? भारत में हुआ था। और सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर किस देश के शामिल है? इटली के कितना? तो 59 शामिल है। वहीं पूछे भारत में, भारत का कितना विश्व धरोहर जो है यूनेस्को में शामिल है? तो 43 शामिल है। 43वां कौन सा है? मोईदम है। मोईदम अगर पूछे क्या है, एक कब्रगाह है जो कि असम का एक कब्रगाह है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो बेलारूस को बनाया गया है। SCO का 10वां सदस्य यानी शंघाई सहयोग संगठन का 10वां देश बेलारूस को बनाया गया है। बेलारूस को के पहले अगर पूछे 9वां सदस्य देश कौन सा था तो ईरान था। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का जो है अगर पूछे कि मुख्यालय कहाँ पर है तो इसका मुख्यालय है बीजिंग में। हाल ही में DRDO ने चौथी पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली वसारोध कहाँ सफल परीक्षण किया है? तो चौथी पीढ़ी का वायु रक्षा प्रणाली वसारोध का सफल परीक्षण DRDO ने कहाँ किया है? तो यह राजस्थान में किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो वसारोध क्या है? वसारोध यह चौथी पीढ़ी का कम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली है यानी एयर डिफेंस सिस्टम है लेकिन कम दूरी का है। इसका निर्माण अगर पूछे किसने किया है तो इसका निर्माण किया है DRDO ने। DRDO की स्थापना अगर पूछे कब करी जाती है तो 1 जनवरी 1958 को जो है 1958 को DRDO की स्थापना करी जाती है। ठीक है, और अभी जो है वसारोध का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो पोखरण राजस्थान में इसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो वसारोध क्या है? तो वायु रक्षा प्रणाली है यानी एयर डिफेंस सिस्टम है लेकिन कम दूरी का है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं कि समर क्या है, समर भी एक वायु रक्षा प्रणाली है यानी एयर डिफेंस सिस्टम है। और इस समर में जो है पूछे कि किस मिसाइल का प्रयोग किया गया है? तो इसमें आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है। जो आकाश मिसाइल है इसकी क्वालिटी क्या है? तो यह जो है सरफेस यानी सतह से एयर यानी हवा में मार करने में सक्षम है। तो सतह से एयर में मार करने में सक्षम कौन सी मिसाइल है? तो यह आकाश मिसाइल है जो कि समर एयर डिफेंस में प्रयोग किया गया है। कुछ और देख लेते हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम है, तो एक तो है आयरन डोम और दूसरा है S-400। तो बताना है कि ये दोनों एयर डिफेंस किस देश के हैं? तो एयर डोम जो है यह कहाँ का है? आयरन डोम यह कहाँ का है? यह इसराइल का है। और S-400 पूछे यह कहाँ का है? तो यह रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे जो है ट्रायम्फ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायम्फ बोलते हैं। ठीक है, भारत अगर पूछे कि वर्तमान भारत में कितने रामसर साइट हैं? तो 85 हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसी में कन्फ्यूजन में था कि 43 था कि जो है 85 था। तो जो रामसर साइट्स हैं यानी आर्द्र भूमियाँ हैं भारत में कितनी हैं? 85 हैं। और जो विश्व धरोहर स्थल हैं 43 हैं भारत में। ठीक है, वहीं पूछे कि जो ये 85 रामसर साइट हैं इसमें सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है और दूसरे नंबर पर UP में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? तो जस्टिस बृजेश मिश्रा जी की याद में। हाल ही में वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो कृषि राज्य का पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र को मिला है। लेकिन अगर पूछे बागवानी में जो है कृषि राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बागवानी के लिए नागालैंड को दिया गया है। हाल ही में पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है? तो स्पेस एक्स ने करी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो 2024 में विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। इसकी व्याख्या देखें तो 5 अक्टूबर को जो है दो दिवस याद रखेंगे। सबसे पहले देखते हैं 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है और जो 2024 में जो है इसकी थीम रखी गई है विश्व शिक्षक दिवस की, शिक्षा के लिए शिक्षकों की आवाज़ का महत्व, तो इसकी थीम रखी गई है। और वहीं दूसरा पूछे कि 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। इस बार जो है तीसरे क्रम का राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। अगर बात करते हैं कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की शुरुआत कब करी गई है? तो पहली बार किया गया है 22 में, यानी 22 में किया गया है। फिर इसके बाद जो है 23 आ गया और 23 के बाद जो है 24 आ गया। ठीक है, तो ये तीसरे क्रम का राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है 5 अक्टूबर को। तो दो दिवस याद रखेंगे, एक तो विश्व शिक्षक दिवस याद रखेंगे और दूसरा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को गंगेटिक डॉल्फिन को जो है
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और इसी गंगेटिक डॉल्फिन की सुरक्षा करने के लिए जो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की अगर पूछे स्थापना कहाँ की गई है, तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की गई है बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वर्तमान में अगर पूछे भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो भारत में वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां पूछे कौन सा है, तो अमरावती हाई कोर्ट है। और यह कहां पर है, तो यह हैदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जो हाई कोर्ट है यानी कि जो उच्च न्यायालय है, यह रिट जो है किस अनुच्छेद के द्वारा जारी करता है, तो अनुच्छेद 226 के द्वारा जारी करता है। वहीं पूछे कि जो सुप्रीम कोर्ट है रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। वहीं पूछे कि जो ये हाई कोर्ट है यह एक अभिलेख न्यायालय है, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है, तो अनुच्छेद 215 में कहा गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये बात 129 अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है, तो दोनों साथ साथ याद रखेंगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले जो 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के टाइम पे, किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था, तो 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे। कहाँ पर, तो यह किया गया था, एक तो पश्चिम बंगाल में यानी कलकत्ता हाई कोर्ट, दूसरा किया गया था मद्रास हाई कोर्ट, और तीसरा किया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, तो 3 हाई कोर्ट की स्थापना 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित किए गए थे। इसके बाद जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर पूछे स्थापना कब की गई थी, तो 1866 को किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में 800 साल पुरानी चीमू सभ्यता के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं, तो पेरू में खोजे गए हैं। कहाँ पर, पेरू। पेरू अगर पूछे किस महाद्वीप का देश है, तो ये साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने करी है, तो यह योजना शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना किसने शुरू किया है, राजस्थान ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6वां, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है, तो बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने कहाँ किया है, महाराष्ट्र में। इसकी व्याख्या देखें तो पीएम मोदी जी ने अभी हाल ही में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन अगर पूछे कहाँ किया है, तो पोहर देवी में किया है, जो कि यह स्थान है महाराष्ट्र में। किसके लिए किया है, तो जो बंजारे हैं उनके समुदाय के संघर्ष के लिए बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। जो ये बंजारा समुदाय के लोग हैं, इनके 2 संतों को आप याद रखेंगे। इनके पहले संत का नाम है संत सेवाराम, और दूसरे संत हैं संत रामलाल। ये दोनों कौन हैं, तो ये बंजारा समुदाय के संत हैं। ठीक है, तो बंजारा विरासत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र में। किसके द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा। और इसके साथ साथ मोदी जी ने दो नए चिप लॉन्च किए हैं। कौन से, 2 नए चिप भी लॉन्च किए हैं। एक तो लॉन्च किया गया है गऊ चिप, जो कि मवेशियों के लिए है, और दूसरा है महीस चिप, ये जो है किसके लिए है, तो भैंसों के लिए है। ठीक है, तो 2 चिप भी लॉन्च किए हैं, मवेशियों के लिए, भैंसों के लिए। ठीक है, जिसका नाम है गऊ चिप और महीस चिप। एक करंट अफेयर क्वेश्चन ये भी है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी जो है शिव छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने दिया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। किसको दिया है, तो प्रदीप गांधी जी को दिया है। और इनका खेल पूछे कौन सा है, तो इनका खेल है बैडमिंटन। तो शिव छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने प्रदीप गांधी जी को दिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जिसे कास्पर कहते हैं का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो दक्षिण कोरिया में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो याद रखेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में भी हम संपूर्ण व्याख्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस पर जो है नया डाटा आया है, किस पर, विदेशी जन औषधि केंद्र पर। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो छोड़ते हैं ये प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य देश कौन बना है, तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां देश बना है कोटे डी आइवर। और यह पूछे ये देश किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, हाल ही में ईरानी कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो यह जीता गया है मुंबई के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें तो ईरानी कप 2024, वहीं पूछे कि ईरानी कप जो है किस खेल का कप है, तो यह जो है क्रिकेट का कप है। किसका है, तो क्रिकेट का कप है। कुछ महत्वपूर्ण कप याद रख लेते हैं, जैसे सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफी जो है क्रिकेट की ट्रॉफियां हैं।
अगर पूछे ईरानी कप 2024 का विजेता कौन बना है, तो फाइनल मैच खेला गया था मुंबई और शेष भारत के बीच में, जिसमें मुंबई जीत जाता है और शेष भारत जो है उप विजेता बन जाता है। ठीक है, अगर पूछे कि जो ईरानी कप है इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो अटल बिहारी स्टेडियम में किया गया था, जो कि लखनऊ में यह स्टेडियम है। इस स्टेडियम का पुराना नाम बताएंगे, जो अटल बिहारी स्टेडियम है इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था इकाना स्टेडियम। ठीक है, तो इकाना स्टेडियम का नया नाम कर दिया गया है अटल बिहारी स्टेडियम, जो कि लखनऊ में है। और यहीं पूछे कि जो मुंबई के कप्तान बनाए गए थे, तो मुंबई के कप्तान कौन बनाए गए थे, तो अजिंक्य रहाणे बनाए गए थे। ठीक है, तो ईरानी कप किसने जीता है, मुंबई, जिसके कप्तान थे अजिंक्य रहाणे। ये ट्रॉफियां भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला है उत्तराखंड। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो 2020 का पुरस्कार जो है कब दिया गया है, 2024 में। ठीक है, कब दिया गया है, तो 2024 में किसे दिया गया है, तो रिगोबर्टा मेंचू को दिया गया है गांधी मंडेला 2020 का पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा, तो भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय यह चंडीगढ़ में स्थापित होगा। चासी चंडीगढ़ याद रखेंगे, याद हो जाएगा। हाल में भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो यह स्थापित किया गया है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आठवां, हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि अहिल्यानगर का पुराना नाम क्या था और यह नगर जो है किस राज्य में स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में, सॉरी, यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अहमदनगर अगर पूछे कहाँ पे था, तो यह महाराष्ट्र में यह शहर था, इसी का जो है अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। ठीक है, तो अहिल्यानगर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। और ये नाम बदलने की प्रक्रिया अगर पूछे, महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे जी ने शुरू किया था। ठीक है, इसको जो है मार्च में मंजूरी के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में इसको केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो अहमदनगर का नया नाम हो गया है अहिल्यानगर, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जो अहमदनगर है इसकी स्थापना किसने करी थी, तो अहमदनगर के संस्थापक थे, इसकी स्थापना किया गया था 1494 में, किसने किया था, तो अहमद निजाम शाह ने किया था। और जो ये अहिल्याबाई हैं, यानी अहिल्यानगर है, ये जो है किसके नाम पर रखा गया है, तो अहिल्याबाई होलकर जी के सम्मान में अहिल्यानगर कर दिया गया है। जो ये अहिल्याबाई होलकर जी है, ये कहाँ की शासक थी, तो ये इंदौर की शासक थी। इंदौर में ही जो हवाई अड्डा है इसका क्या नाम है, तो माँ अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो इंदौर में है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा का सारा याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, एक क्वेश्चन और, मैंने ज़्यादा राज्यों के नाम नहीं लिए हैं या ज़्यादा स्थानों के नाम लिए नहीं लिए हैं जो बदले गए हैं, सिर्फ एक को याद रखना है, जो उस्मानाबाद है इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, तो धारावी शिव कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, तो धारावी शिव कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है, तो सुप्रीता सीटी जी हैं। IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो अभिनव बिंद्रा जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज्ड सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन हैं, तो शाहरुख खान हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है नौवां, हाल ही में मैंने जिस प्रश्न को छोड़ा था ऊपर, उसी के बारे में पूरी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, तो पूरे देश में जो है कितने जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, तो 13,822, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो जन औषधि केंद्र अगर पूछे कि यह किस योजना के तहत शुरू किया गया था, तो PM भारतीय जन औषधि योजना के तहत जो है जन औषधि केंद्र की शुरुआत करी गई थी। इसके जो ये जन औषधि केंद्र है, इसको जो है अगर पूछे किस लिए शुरू किया गया था, तो किफ़ायती दरों पर जो है दवाइयाँ उपलब्ध हो सके, यानी कम दाम पर दवाइयाँ उपलब्ध हो सके, जिसके लिए पूरे भारत में जो है कितने जन औषधि केंद्र ओपन किए गए हैं, तो 13,822 जन औषधि केंद्र पूरे भारत में ओपन कर दिए गए हैं 30 सितंबर 2024 तक। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना है। अगर पूछे कि जो ये जन औषधि केंद्र ओपन किया गया है,
या फिर जो दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं या किस मंत्रालय के द्वारा हैं, तो यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रही हैं, जिसमें एक दिन में 10 लाख लोग पर डे इससे दवाइयाँ खरीदते हैं। कितने? तो 10 लाख लोग पर डे दवाइयाँ खरीदते हैं जन औषधि केंद्र से, जो कि भारत में 13,822 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं 30 सितंबर 2024 तक। ठीक है, जो प्रश्न मैंने छोड़ा था वो वाला प्रश्न आ गया है कि विदेश में पहला जन औषधि केंद्र पूछे कहाँ पे खोला गया था, तो यह पोर्ट लुइस में खोला गया है। पोर्ट लुइस जो है किसकी राजधानी है? तो मॉरीशस की। ठीक है, तो कहाँ पे खोला गया है? पोर्ट लुइस में खोला गया है भारत का पहला जन औषधि केंद्र। और किसने खोला है, किसके प्रयास से? तो यह विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के प्रयास से खोला गया। किसके? तो एस जयशंकर जी के प्रयास से खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, एकलव्य पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो यह उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा। इस बार जो है 32वें क्रम का दिया गया है 3 लोगों को, प्रत्याचार्य तन्वी जयराम जी को ये जो है एकलव्य पुरस्कार उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया गया है। रिया सिंघा जो है अभी हाल ही में मिस इंडिया 2024 बनी है, और ये जो है मिस वर्ल्ड के लिए 2024 में जो मिस वर्ल्ड होगा, मिस यूनिवर्स होगा, इसके लिए क्वालिफाई कर गई हैं हमारे भारत की तरफ से। कौन? रिया सिंघा। और जो मिस यूनिवर्स होगा 2024, यह कहां पर होगा? तो यह मैक्सिको में अब की बार आयोजित किया जाएगा। कहां पर? मैक्सिको में। तो मिस इंडिया 2024 कौन बनी है? रिया सिंघा बनी है। और किस राज्य की हैं? तो गुजरात की हैं। प्रशांति राम को जो है अभी हाल ही में सिंगापुर का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हाल का नया नाम क्या रखा गया है? तो गणतंत्र मंडप रखा गया है। हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो मैंने पहले ही प्रश्न में बताया था, यह मोईदम है। अब मोईदम क्या है? एक कब्रगाह है। और यह किस राज्य में है? तो यह असम में है। कहाँ है? तो यह असम में है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अंतरिक्ष में आप सभी को पता है कि चांद के साउथ पोल पर पहली बार अगर कोई देश लैंड किया है तो अपना भारत किया है। किस मिशन के तहत? तो चंद्रयान मिशन 3 के तहत। ठीक है, अगर वही पूछे कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 अगस्त को। ठीक है, तो 23 अगस्त को ये पहली बार मनाया गया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 23 अगस्त याद रखेंगे। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे चारोन चंद्रमा का संबंध किससे है? तो चारोन अगर पूछे कि यह चंद्रमा किस ग्रह का है, तो यह प्लूटो का है। प्लूटो एक अब यह ग्रह नहीं रह गया है, क्योंकि 2006 से पहले यह ग्रह हुआ करता था, लेकिन 2006 के बाद इसे जो है प्लूटो यानी यम ग्रह, यम को जो है किस श्रेणी में रखा गया है? तो 52वीं श्रेणी में रख दिया गया है। तो चारोन जो चंद्रमा है यह किसका है? प्लूटो का है, जो प्लूटो एक 52वां ग्रह है। और इसी चारोन पर अभी हाल ही में अगर पूछे कि यह सबसे बड़ा चंद्रमा है, तो प्लूटो का अगर पूछे सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, तो चारोन है। इसी चारोन पर अभी खोज की गई है, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की और हाइड्रोजन पराऑक्साइड की। ठीक है, तो इसकी खोज की गई है, इसीलिए चर्चा में है। और पूछे कि किसने खोजा है ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पराऑक्साइड, तो यह खोजा गया है जेम्स वेब टेलीस्कोप के माध्यम से यह खोजा गया है। और वहीं पूछे कि जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप का निर्माण जो है किसने किया है, तो नासा ने किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है और कनाडा ने किया है। ठीक है, एक प्रश्न आप सभी के लिए है, कमेंट में ज़रूर बताएंगे, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। नासा जो है कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो यह यूएसए की स्पेस एजेंसी है। कहाँ की स्पेस एजेंसी है? यूएसए की। तो आपको बताना है यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी रेखा के द्वारा सीमा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ऊपर कनाडा हो जाता है, नीचे जो है कौन सा हो जाता है? यूएसए हो जाता है, और यूएसए के नीचे जो है मैक्सिको हो जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि यूएसए और कनाडा के बीच में सी फॉर कनाडा, ए यू फॉर यूएसए और एम फॉर मैक्सिको। ठीक है, तो आपको बताना है कनाडा और यूएसए के बीच में कौन सी सीमा का निर्धारण करता है, और यूएसए और मैक्सिको के बीच में जो है किस नदी के द्वारा जो है सीमा का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पे जो है रेखा के द्वारा निर्धारण किया जाता है, मैंने बता दिया, और यहाँ पे नदी के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये दोनों कमेंट हमें बताना है। ठीक है, ये दोनों जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में शुभंकर का क्या नाम था? तो फ्रिज था। जो पेरिस ओलंपिक का शुभंकर है, इसका नाम है फ्रिज। फ्रिंज जो है ये फ्रांस की क्रांति का प्रतीक है।
हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हुमायूं के मकबरे में किया गया है, और यह मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हाल में भारत सरकार ने किसे सेटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो स्पेस ध्रुव स्पेस को दी है। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र की पैरा तैराक जिया राय का संबंध किससे है? तो ये जिया राय जो है कैसी तैराक हैं? पैरा तैराक यानी ये एक दिव्यांग तैराक हैं, और इनका संबंध अगर पूछे किस राज्य से है तो ये मुंबई से संबंधित हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने सभी करंट अफेयर क्वेश्चन को, बहुत सारे GK GS प्रश्नों को भी सॉल्व किया है और ललन टॉप प्रश्नों को भी सॉल्व किया है। आप बताएं कि 30 मिनट में अगर आप सभी को इतने सारे कंटेंट पूरी व्याख्या के साथ मिल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप सभी का ज़रा भी टाइम वेस्ट होता होगा। आप सभी अगर इसको 1.5 पे करके देखेंगे तो आप सभी का ये वीडियो जो है लगभग 20 से 22 मिनट में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं तेज़ पढ़ा देता तो यह वीडियो 20 मिनट में समाप्त तो हो जाता, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता क्योंकि इतना जल्दी बोलते और कुछ जवान इधर उधर भी हो जाता। ठीक है, तो आप सभी को ये याद रखना है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको ज़रूर बताएं। अगर आप सभी चाहते हैं कि सिर्फ करंट अफेयर क्वेश्चन ही कराएं, ज़्यादा व्याख्या ना दें, तो भी हमें ज़रूर बताएं। और जो मैंने आप सभी से प्रश्न किया था, ये वाला प्रश्न आप सभी को बताना है कि USA, कनाडा और मेक्सिको के बीच में किस रेखा, किस नदी के द्वारा सीमा का निर्धारण किया जाता है? तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।